हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो भाई हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स की। भाई ग्रैंड विटारा जो है वो 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है, 102 bhp की मैक्सिमम पावर और 136.8 nm का टॉर्क ये निकाल के देती है। वहीं अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करेंगे, ये 1.2 लीटर में फोर सिलेंडर के अंदर आता है, जो आपको जो 89 की मैक्सिमम पावर निकाल के देता है और 113 का मैक्सिमम टॉर्क ये देता है। भाई दोनों ही गाड़ियां बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं ये। बेसिकली ये जो है 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, बेस वेरिएंट है ये, और ये भी बेस वेरिएंट है। हालांकि ये सीएनजी है, बट मैं इसको एज अ बेस वेरिएंट कंपैरिजन करूंगा। तो दोनों ही बेस वेरिएंट है, ये 12.5 लाख का है और ये 8.5 लाख रुपए का स्टार्ट होता है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, दोनों गाड़ियां जो वो बहने लगती है। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जो दोनों के दोनों का फ्रंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्रैंड विटारा से। ग्रैंड विटारा के अंदर भाई आपको DRLs मिल जाती है, जिसमें इंडिकेटर आता है साथ में। तो भाई 1, 2, 3 पॉइंट ये इंडिकेटर और DRL साथ के साथ आती है। वहीं प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, जो कि लो बीम हाई बीम इसी के साथ आता है, बाकी फॉग लैंप नहीं आता है। बाकी कनेक्टिंग जो है वो आपको ग्रिल मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि एक DRL से दूसरे DRL तक कनेक्ट करती है। और बाकी पियानो फिनिश आपको इसमें ग्रिल मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है इसके साथ। बाकी सिल्वर क्रोम जो है ना, काफी अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल लुक अगर देखोगे फ्रंट से, तो भाई बहुत ही ज्यादा मैचो लगती है, थोड़ी सी बड़ी लगती है कंपेरिजन टू फ्रॉन्क्स। तो फ्रॉन्क्स की बात करते हैं। फ्रॉन्क्स के अंदर भी भाई साहब आपको DRLs नहीं आते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, बट ये इंडिकेटर और पार्किंग बल्ब आता है, और इसका बड़ा सा प्रोजेक्टर हेडलैम्प आएगा, जो आपको लो बीम हाई बीम दोनों ही इसमें से देता है। और बाकी सेम एग्जैक्टली सेम टाइप की ग्रिल आपको मिलेगी, जो एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर को कनेक्ट करता है। बीच में सुजुकी का लोगो है और यहाँ पे जो इसकी ग्रिल है वो मैट में आती है, शाइनिंग में नहीं आती है। और ये इसका ओवरऑल लुक है। भाई दोनों को कंपेयर करोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ लगती है, बस थोड़ा सा अगर DRLs इसमें ऐड कर दो तो थोड़ा सा ये बड़ी बहन ये छोटी बहन आपको लगेगी। भाई अब साइड प्रोफाइलिंग से बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाई ग्रैंड विटारा के अंदर। तो ग्रैंड विटारा का जो टायर साइज है वो भाई 17 इंचेस का आता है, चाहे आप बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो। और इसके अंदर 21560R 17 इंचेस का टायर प्रोफाइल आता है। और साइड से अगर देखोगे तो भाई साइड से ये इसका प्रोफाइल है। इंडिकेटर जो है वो आपको ORVM में ही मिल जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात इसकी क्या लगती है मुझे, कि इसकी की देखिए, कीलेस एंट्री आपको इसमें मिलेगी। तो की को आप रखो जेब में और भाई इसको प्रेस किया, गाड़ी अनलॉक हो गई और आप चलो अंदर। अब भाई अंदर चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेस वेरिएंट से ही आपको पुश स्टार्ट बटन इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे लाइट की लेवलिंग को एडजस्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों का सिमिलर ही है। आपको यहाँ पे एनालॉग में एक बार इसको स्टार्ट ही कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको RPM का मीटर मिलेगा, जो कि एनालॉग है, और राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर मिल जाएगा। फ्यूल का लेवलिंग का जो मीटर है वो इसी के साथ आपको मिलेगा। बाकी डिजिटल इसका मिडल में मीटर मिलेगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी, कितने NM का टॉर्क है, ड्राइविंग टाइम कितना है, टोटल ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह, और यहाँ से इसके फंक्शन वगैरह, टाइम टॉर्क मोशन टॉर्क पावर वगैरह, और एक्सलरेट ब्रेक कितना चल रहा है। बाकी इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर मोटर से पावर ले रहा है या फिर बैटरी से पावर ले रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। बाकी इसके डैशबोर्ड का लेआउट देखो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। हालांकि ये प्लास्टिक है, कोई भी क्लोथ या लेदर ट्रैप्ड नहीं है, बट ये देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हो ये इसका ओवरऑल लुक है, भाई बहुत ही अमेजिंग है। बाकी इसके अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है बेस वेरिएंट में, लेकिन दो आगे के स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, और वहीं साथ के साथ आपको कंट्रोल भी स्टेयरिंग के अंदर ही मिल जाएंगे। तो भाई 12.5 लाख रुपया आप दे रहे हो, तो उसके साथ देखो कितनी सारी चीजें ऑफर कर रही है। बाकी AC जो है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ करने का बटन यहाँ पर है, और इसके जो हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी को ऑन एंड ऑफ करना है उसको भी यहाँ पर। बाकी 12 वॉट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको जिसमें मोबाइल फोन वगैरह आप रख सकते हो। बाकी ये देखो, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन कितना ज्यादा प्रीमियम लगता है इसका सेंटर पैनल। और ब्रेक जो है हैंड ब्रेक यहाँ पे मिलेगी, दो कप होल्डर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप की वगैरह रख सकते हो। बाकी गियर लीवर जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसका, और आर्मरेस्ट भी इसमें आता है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस है और इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो। बाकी भाई सीटिंग कंफर्ट देखो, मेरे को दोनों ही गाड़ियों का इक्वल लगता है। तो ये देखो ये इसका, बाकी बैक सपोर्ट थोड़ा सा काफी ज्यादा डीप है इसमें। और IRVM की बात करेंगे तो देखिए मैनुअली एडजस्टेड IRVM आता है, दो लाइट्स इसमें आती है येलो कलर की, और बाकी पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा और ड्राइविंग साइड में भी वैनिटी मिरर मिल जाएगा। तो भाई ये इसका ओवरऑल लुक है डैशबोर्ड का। बाकी इसके स्टीयरिंग को मैं दिखा देता हूं आपको, ये टिल्ट होता है और टेलीस्कोपिक भी होता है, ये देखिए टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों हो जाता है। और भाई बाकी डोर पैनल की बात करेंगे, चारों के चारों पावर विंडो ऑटोमेटिक एडजस्ट और फोल्ड दोनों ही आपको ये मिल जाएगा ORVM का। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा सा फैब्रिक है, ये प्लास्टिक है,
एक लीटर की बॉटल फंस सकती है आराम से, और यहाँ पे थोड़ा बहुत और स्पेस है, कॉइन रखने के लिए भी स्पेस है, बाकी भाई सीट एडजस्ट करने के लिए भी है भाई, सीट की हाइट ना वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। देखिए दोनों दिए हुए, तो बैक सपोर्ट और हाइट एडजस्ट दोनों इसमें आराम से हो सकता है। अब चलते हैं पीछे, और पीछे का स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। आप पीछे गए भाई, पीछे में क्या है कि ये मैं बैठा 5'7" मेरी हाइट है, आगे की सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है। आपको एसी वेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, हालांकि कोई 12 वोल्ट का सॉकेट या यूएसबी पोर्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं दिया, बट लेकिन लेग रूम देखिए काफी ज्यादा है और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 लाइट्स और दे रखी है यहाँ पे जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, और बाकी यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, और ये जो आप देख रहे हो ये आर्मरेस्ट भी काम कर सकता है, ये आर्मरेस्ट है इसका, और बाकी तीनों जो है वो आपको हेडरेस्ट मिलेंगे एडजस्टेड, और आपको सीट्स की जो है बेल्ट है वो 3-पॉइंट बेल्ट मिल जाएगी इसके अंदर, और स्पेस काफी अच्छा है, कोई नो डाउट इसमें आप आराम से 3 लोग बैठ सकते हो। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी है बट उस हिसाब से हेड रूम कम है, 5'7" ही मेरी हाइट है, फिर भी देखो कितना रूम मिल रहा है। 6 फीट अगर आप हो गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, बाकी डोर पैनल में वही ब्लैक एंड थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, यहाँ पे फैब्रिक है, पावर विंडो का स्विच है, स्पेस 1 लीटर की बॉटल फंसा सकते हो, पीछे स्पीकर नहीं आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। अब चलते हैं भाई फ्रॉन्क्स के अंदर। फ्रॉन्क्स के साइड पैनल की बात करोगे तो इसके अंदर 16 इंचेस का आपको व्हील मिलेगा, जिसका प्रोफाइल है 195/60R16, और भाई ये काफी अच्छा साइज है, 17 इंचेस का इसमें मिलता है, इसमें 16 इंचेस का, बाकी जो इसके ORVM से वो ब्लैक कलर के मिलते हैं, मैट कलर के, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे, इसमें बॉडी कलर आते हैं, और इसका जो इंडिकेटर है वो भी फेंडर पे आता है भाई, 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और बाकी इसमें रूफ रेल भी आती है, इसमें रूफ रेल नहीं आती। अब इसको अनलॉक करते हैं, तो भाई की जो है वो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जरा इसके अंदर बैठ के एसी ऑन कर दूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो भाई ये एसी कर दिया हमने ऑन, हम आ गए हैं। इसकी जो की है वो इस तरीके की आती है, इसी में सेंटर लॉकिंग वगैरह सब आता है। और क्लस्टर की बात करेंगे तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में वही आरपीएम आता है और राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर आता है, एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको फ्यूल का लेवल मिलेगा, यहाँ पे सीएनजी क्योंकि ये सीएनजी है, बट हम एज ए पेट्रोल इसको बेस वेरियंट कंपेरिजन कर रहे हैं क्योंकि सीएनजी वाला ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महंगा आता है। तो भाई बीच में वही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, उसकी रेंज वगैरह आप यहाँ पे दिखा सकते हो, बाकी प्लस आपको टाइमिंग भी यहाँ पे आ जाएगी और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो भी आपको मिल जाएगा। स्टेयरिंग की बात करेंगे तो भाई स्टेयरिंग जो है वो सिर्फ टिल्ट होता है इस गाड़ी में, टेलीस्कोपिक नहीं होता है, और यहाँ पे आपको स्विच दिया हुआ है जो कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन एंड ऑफ करने के लिए, यहाँ पे लाइट की लेवलिंग को है, सीएनजी वाले को भूल जाइए क्योंकि हम एज ए पेट्रोल इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। बाकी भाई इसके अंदर भी जो है वो एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा एक्जैक्टली सेम, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट आपको मिलेगा, यहाँ पे यूएसबी नहीं है, बाकी 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, गियर लीवर एक्जैक्टली सेम है, बहुत ही स्मूथ है ये भी, और ये ब्रेक लीवर है, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। सीट देखो इसकी भी बहुत कंफर्टेबल है, ये देखो एक्जैक्टली सेम है, और अगर बैक सपोर्ट की बात करोगे तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, पकड़ के रखता है, मैंने काफी पीछे किया इसको आगे कर लेता हूँ। और भाई डैशबोर्ड की बात करेंगे तो डैशबोर्ड एक्जैक्टली सेम साइज का ही आपको मिलेगा, थोड़ा सा ग्रैंड विटारा में बड़ा मिलेगा बट सिमिलर सा ही डैशबोर्ड है, बाकी IRVM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वैनिटी मिरर दोनों ही साइड में नहीं आते, चाहे आप पैसेंजर साइड में हो चाहे ड्राइविंग साइड में हो। बाकी डोर पैनल की बात करेंगे तो वही आपको ब्लैक और ब्राउनिश और थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको ब्राउन्स कलर का मिलेगा, और चारों पावर विंडो मिल जाएंगे, और RVM आपको मैन्युअली ही एडजस्ट करने पड़ेंगे, बाहर से अंदर से कोई भी स्विच नहीं है, और यहाँ पे कॉइन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस है, बॉटल यहाँ पे फिट हो जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है सामान रखने के लिए, बाकी यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। 8.5 लाख रुपए के अंदर कुछ भी नहीं आता है, ना ही एंटरटेनमेंट सिस्टम और ना ही स्पीकर्स, तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है। अब पीछे चल के मैं आपका इसको कितनी कंफर्टेबल है वो दिखाता हूँ। तो भाई पीछे चल गए और देखिए स्पेस के मामले में भाई ये भी बहुत अमेजिंग है, मतलब दोनों ही गाड़ियों में इक्वल सही आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3 लोग बहुत प्यार से बैठ सकते हैं और लेग रूम भी बहुत ज्यादा है। ये मेरी सीट जो है मेरे हिसाब से एडजस्ट है, 5'7" मेरी हाइट है, और देखिए ग्रैंड विटारा SUV है, बहुत ऊंची गाड़ी है, और फ्रॉन्क्स फिर भी देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब हालांकि मेरी हाइट 5'7" है और मैं टच कर सकता हूँ थोड़ा सा और अगर हाइट होती, बट लेकिन ग्रैंड विटारा इतनी ऊंची गाड़ी होने के बाद भी पीछे थोड़ा सा हेडरूम है, कम है उसमें कंपैरेटिवली दूसरी और जो SUVs है। बाकी 3 लोग बहुत प्यार से बैठ सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, एसी वेंट्स नहीं है, और यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट दिया हुआ है। उस वाली में देखा होगा आपने कि एसी वेंट्स थे लेकिन कोई भी सॉकेट वगैरह नहीं दिया था, बाकी यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना फोन वगैरह कुछ रख सकते हो। बाकी भाई इसकी बात करेंगे डोर पैनल की, तो यहाँ पे फैब्रिक है, ये आपका प्लास्टिक है, और पावर विंडो का स्विच है, थोड़ा सा कॉइन रखने के लिए, और यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल, और थोड़ा सा स्पेस है, बाकी सिटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है इसका भी, ग्रैंड विटारा और ये मेरे को इक्वल सही लग रहा है भाई, काफी ज्यादा स्पेस, और ये उठा हुआ भी है तो जिससे आपके थाई सपोर्ट बहुत प्यार से आपको मिल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी इसमें भी तीनों एडजस्टेड आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, हालांकि इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है, बट लेकिन 60-40 स्प्लिट आपको ये मिल जाएगा, और तीनों ही
थ्री सीट बेल्ट मिलेगी, थ्री पॉइंट सीट बेल्ट इसमें मिलती है। तो भाई ये सी चीज़ें, बाकी इसकी जो लाइट है वो पीछे दी हुई है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, थ्रो काफ़ी ज़्यादा आपको ये फैल जाता है पूरी गाड़ी के अंदर, आगे वाले में नहीं फैलता है। अब चलते हैं भाई पीछे। तो भाई ये है इसका रेयर लुक। सबसे पहले ग्रैंड विटारा से स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड विटारा में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, इसके अंदर लाइट मिल जाएगी, स्पॉइलर आपको मिल जाएगा, डिफॉगर आपको मिल जाएगा। और भाई ये इसका ओवरऑल लुक है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी जो कनेक्टिंग टेल लैंप है ये भी जलती है, और हाइब्रिड की थोड़ी स्मार्ट हाइब्रिड की इसमें बैजिंग दी हुई है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग दी हुई है, बीच में सुजुकी का लोगो है। 4 इसमें पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे इंडिकेटर है, बैकलाइट है, और ये रिफ्लेक्टर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखो जो रेयर लुक है इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, सारा का सारा काम करता है। वहीं अगर हम चलते हैं फ्रॉन्क्स की तरफ, फ्रॉन्क्स के अंदर भाई आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना के साथ स्पॉट स्टॉप पॉइंट लाइट मिल जाएगी, स्पॉइलर मिल जाएगा, डिफॉगर इसमें भी आता है, सुजुकी का लोगो उसमें मिलेगा, और भाई इसके अंदर भी जो है ये जो लाइट्स है वो एलईडी मिलेगा, एलईडी सेटअप के साथ, लेकिन ये कनेक्टिंग लाइट इसमें काम नहीं करती है। और भाई फ्रॉन्क्स की बैजिंग आपकी आती है, चारों जो सेंसर्स हैं वो इसमें मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, और ये इसका ओवरऑल लुक है। भाई मेरे को तो अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो दोनों गाड़ियों को मैं कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा, सीरियसली बताऊं, क्योंकि दोनों गाड़ियों का ना काफी अच्छा लुक है। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूं। सबसे पहले ग्रैंड विटारा के बूट स्पेस की बात करेंगे, भाई बहुत ही बड़ा सा बूट स्पेस आपको मिल जाएगा, पार्सल ट्रेस में नहीं मिलती है। टायर जो है वो यहीं पे आपको मिलेगा जो कि एग्जैक्टली सेम साइज का 17 इंचेस का, फुल बीसी मिल जाएंगे, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस और मिल जाएगा। हैंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक दिया हुआ है जो कि लाइट है, बट लेकिन 1 से 2 किलो आप आराम से इसमें लटका सकते हो। बाकी ये इसका ओवरऑल भाई काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसका। अब इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं भाई फ्रॉन्क्स के अंदर। फ्रॉन्क्स के बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई सीएनजी वाला है, बट लेकिन सीएनजी हटा देंगे तो इसमें भी काफी ज्यादा बड़ा बूट स्पेस आता है, लेकिन ग्रैंड विटारा के अंदर ज्यादा बड़ा बूट स्पेस है, इसमें थोड़ा सा कम है। और बाकी टायर प्रोफाइलिंग की बात करेंगे, सेम साइज का टायर मिलता है यहीं पे, इसके टूल्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, और ओवरऑल बूट स्पेस इसमें भी काफी अच्छा आता है। सीएनजी को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे उसके बावजूद भी काफी अच्छा इसमें बूट स्पेस आएगा। तो भाई लेकिन ग्रैंड विटारा ज्यादा बड़ी है। तो भाई ये था कंपैरिजन वीडियो, 8.5 लाख रुपए में पेट्रोल, 12.5 लाख रुपए में पेट्रोल, हालांकि सीएनजी भी आता है दोनों गाड़ियों में। इसके सीएनजी की बात करेंगे तो 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और 2 ही वेरिएंट्स में आता है, सिग्मा और डेल्टा। और इसके सीएनजी की बात करेंगे तो 15 लाख से स्टार्ट होता है, और आपको डेल्टा से इसमें सीएनजी मिलता है, डेल्टा और उसके बाद जेटा में सीएनजी मिलता है, और सीएनजी वाले वेरिएंट्स में आपको सनरूफ इसमें नहीं मिलेगी। इसमें किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती, इसके टॉप मॉडल्स में सनरूफ आती है। ये 100% मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी आती है, और ये सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी में आती है। और ये था इसका कंपैरिजन। भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका क्या विचार है दोनों गाड़ियों के बारे में। और भाई मेरे से ही बताऊं, मैं अगर पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं ये लेता, और बाकी लेकिन पार्किंग के लिए, ट्रैफिक के लिए और स्मॉल फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। इसका 200+ ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसका 190 ग्राउंड क्लियरेंस है, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, 190 बहुत अच्छा होता है, कहीं पे भी आप लेके चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दोनों के बारे में क्या विचार हैं आपके, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी नई गाड़ियों को और कंपैरिजन वीडियोस वगैरह हम बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।